नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। डीएचओ स्पेशल चल रहा है और ये जो भी एग्रीकल्चर के वीडियो आ रहे हैं, चाहे वो डीएचओ हो, चाहे एग्रीकल्चर टीए हो, टीजीटी, पीजीटी, कोई भी एग्जाम होगा, ये एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। डीएचओ का पेपर लगा है, सबको पता है 30 को है अप्रैल, ठीक। तो आपको मेहनत करना है बराबर कंटिन्यू। अभी एजीटीए की सेकंड लिस्ट आई, इसके विषय में मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। C3 पौधे, C4 पौधे आप जानते होंगे। C3 पौधे, C4 पौधे से क्वेश्चन ऐसे आता है, निम्न में कौन सा पौधा C4 का उदाहरण है, निम्न में कौन सा पौधा C3 का उदाहरण है, ठीक। तो C3 वे पौधे जिनमें जल उपयोग क्षमता एवं प्रकाश संश्लेषण दर दोनों ही कम होते हैं, लेकिन फोटो रिस्पायरेशन अधिक हो, अर्थात दिन में प्रकाश में भी श्वसन व प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो सके, मतलब दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सके, श्वसन की क्रिया हो सके, उन्हें C4 C3 पौधे के नाम से हम जानते हैं। उदाहरण गेहूं, जौ, जई, धान, सरसों, चना, मटर, अरहर, उड़द, मूंग इत्यादि। बहुत ये जो उदाहरण है यही पूछे जाएंगे, ठीक। C4 पौधा कौन सा है? C4 पौधा वे पौधे जिनमें UAE एवं फोटोसिंथेटिक रेट अधिक हो, लेकिन फोटो रिस्पायरेशन कम हो, जैसे मक्का, गन्ना, ज्वार, बाजरा, चौलाई आदि। मक्का कई बार पूछा गया है C3 पौधा है कि C4 पौधा है, ठीक है। आगे, भारत में रबर का उत्पादन सर्वाधिक केरल में होता है, ठीक। नंबर 1 पे केरल है, उसके बाद जो है तमिलनाडु और कर्नाटक का स्थान आता है। रबी फसलों के अंकुरण के लिए उपयुक्त तापक्रम 21 डिग्री से 31 डिग्री सेल्सियस है। बिना मृदा के पौधों की खेती अर्थात जल खेती को हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, ठीक। उत्तर प्रदेश में गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान सिवरही देवरिया में स्थित है। कुफरी बहार एवं कुफरो चमत्कार आलू की सफेद छिलके वाली प्रजातियां हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट, मुख्य फसल के लिए आलू की कुफरी सिंदूरी, आलू की कुफरी सिंदूरी जिसे C140 कहते हैं, सर्वोत्तम प्रजाति है, ठीक है। आलू में पछैती झुलसा रोग, आलू का एक रोग होता है पछैती झुलसा रोग, कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि पछैती झुलसा रोग किसका है, ठीक है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस नामक फफूंदी के द्वारा लगता है। अधिकांश फसलों के लिए प्रायः भूमि का उपयुक्त पीएच मान 6.5 से 7.5 तक होता है भूमि का पीएच मान। नॉफेड एक कृषि विपणन संस्था है। बीज की सुषुप्तावस्था को जिब्रेलिन एसिड GA3 नामक हार्मोन द्वारा इसे सुषुप्तावस्था को बीज की सुषुप्तावस्था को तोड़ते हैं, ठीक है। आगे, पौधों की पत्तियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए प्लानी मीटर का प्रयोग करते हैं। पौधों की पत्तियों का अगर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसके लिए प्लानी मीटर का प्रयोग करते हैं। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना सबको पता 1963 में की गई। खरीफ फसलों के लिए अंकुरण के लिए उपयुक्त तापक्रम 25 से 31 डिग्री सेल्सियस है, और इधर हम रबी की फसलों के लिए क्या है 21 से 31 डिग्री सेल्सियस है। ये आपको अलग अलग याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से जो है क्वेश्चन एक दो कतई पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो एग्रीकल्चर के लिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। डीएचओ के लिए मैं आपको बता दूं, आप लगे रहिए क्योंकि 80 क्वेश्चन आएंगे एग्रीकल्चर के, और जिसके 55 से 60 होंगे उसका सिलेक्शन श्योर है, ठीक। तो कम से कम जो है आपको परेशान ना होना पड़े, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, फिर आगे बढ़ते हैं, परेशान ना होना पड़े और जो है आप बराबर पढ़ते रहें, ठीक है। अगर आपको ठीक है डीएचओ डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर का आपको अगर नोट्स लेना है, मैंने बताया है डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर का नोट्स लेना है, तो आप 7379823368 पे कॉल कर सकते हैं, 7379823368 पे कॉल कर सकते हैं। स्पेशल डीएचओ का नोट्स तैयार किया गया है, इसके बाद एजीटीए का अगर चाहिए या पेट का चाहिए या शुगर केन का चाहिए, आपको नोट्स सबका नोट्स जो है इस नंबर पे आप कॉल करिए, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।